एकदम शैताने है ये है। कहाँ गया वीडियो कॉल बंद कर लिया शैतान। जीवित है सर, जीवित हो बाबू? हाँ सर, क्या हुआ इसका भैलो? अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा क्या होगा भैलो बताए तो। आज शैतान जीवित है, जीवित नहीं है। ई रेस टू एल एन एक्स अभी बताओ। एल एन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग एल एन एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ जीवित है? लॉग ई विद बेस एक्स। जीवित चलो ठीक है बाबू। एल एन एक्स को हम लोग लॉग बेस ई बाबू और एक्स हो जाएगा। एल एन है बाबू नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग में बेस ई आएगा। तो एल एन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग बाबू बेस ई सर एक्स, ये दोनों सेम है बाबू, ये दोनों सेम है तो क्या होगा आंसर? एक्स हो जाएगा है ना बाबू। ठीक है नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, क्या नंबर प्रॉपर्टी होगा बाबू समय बताइए। सर फोर, फोर्थ सर। अरे फोर को तो फाइव सर, बताया फाइव तीने बताया, चार को बताया था बाबू लगता है। सर चार तो आप बताए थे। चलो ठीक है नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। अगर लॉग ए है बाबू अब बेस एम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर पढ़ो पढ़े बाबू। लॉग ए बाबू क्या इसको पढ़ेंगे? लॉग एम टू दी बेस ए है, लॉग एम टू दी बेस ए है ना। ठीक सर, तो इसमें बाबू अपने इच्छा के अनुसार हमको इच्छा कर रहा है सर। यहाँ पे बाबू बेस टू बेस को चेंज करने का इच्छा कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है सर? इसको बाबू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बेस है बाबू तो इस बेस को चेंज कर सकते हैं। लॉग बी हो गया बाबू, पावर एम हो गया, लॉग एम टू दी बेस बी बाबू, और लॉग बाबू बी बाबू अब बेस ए। मतलब आप क्या किए सर? कुछ नहीं किए बाबू। बे यहाँ पे देखो शैतान, शांति सर क्या कर रहे हो? सौम्या नीचे क्या देख रही हो? सर लिखी तो रही हूँ सर, सर बेस बी लिखना नहीं ना, समझना ना। ये क्या बाबू? लॉग एम टू दी बेस ए है, लॉग एम टू दी बेस ए है। ठीक है अब हम चाहते हैं सर बेस था यहाँ ए बेस है सर, इस बेस को हटाना चाहते हैं कुछ अपने मन से, एक दो तीन चार पाँच छः जो इच्छा वो बेस लाना चाहते हैं। मेरा मन कर रहा है सर बी बेस लाने का, तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग एम है बाबू, लॉग एम लिख लो, जो बेस डालने का मन है वो बेस यहाँ लिख दो। ठीक है उसके बाद डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना बाबू। ठीक है अब ये है बाबू, तो इसको फिर बाबू क्या कर दो यहाँ लिख दो। अब मतलब अपने मन से बाबू बेस जो अटैच करना चाहते हो वहाँ पे, यहाँ पे बेस अटैच कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। सेम आएगा, सेम आएगा, एकदम सेम आएगा, कोई गलती नहीं फार्मूला बाबू। तो ये क्या हो गया? पहले बेस ए था सर, अब बेस क्या हो गया? दोनों जगह बेस क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले बेस ए था सर, चेंज होकर बी हो गया, तो इसी को कहते हैं बाबू बेस चेंज फार्मूला। इसी को क्या कहते हैं बाबू? बेस चेंज फार्मूला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बेस चेंज हो गया ना बाबू, तो बेस चेंज फार्मूला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू? बेस चेंज फार्मूला कहते हैं ना। ठीक एक आध दो एग्जाम्पल दीजिए ना सर, दे रहे हैं सर, एग्जाम्पल दे रहे हैं एक आध दो, अच्छे से समझ में आएगा। कौन कौन भागा? बेस चेंज फार्मूला बाबू, बेस मेरा चेंज हो गया ना। बोले सर शॉर्ट फॉर्म है, जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल सर, जैसे लॉग है बाबू फोर, लॉग फोर है बाबू अब पावर सिक्सटीन है। ठीक ठीक बाबू अब क्लियर दिख रहा है जीवितेश? हाँ सर जो मैंने डाल दे जो भी मैंने। चलो ठीक है देखो बाबू ये तो फाइव नंबर नहीं समझा जीवितेश बाबू? जीवितेश अनम्यूट उसका नहीं हो रहा। हाँ सर। अरे बहुत अनम्यूटर रखो ना, बैकग्राउंड साइलेंट बहुत अनम्यूटर। फाइव नंबर समझ में आया कि नहीं आया बोला बेस्ट चेंज फॉर्मूला? हाँ सर समझ में आ गया सर। वेरी गुड बाबू, प्रकाश से तैयार रहे बाबू। अब यहाँ यहाँ पे हमने क्या किया सर? यहाँ बेस ए था सर, अपने मन से बेस बी डाल दिया, कुछ डाल सकते हो। तो अगर इसको बेस चेंज फॉर्मूला में अगर लिखना चाहते इसको कैसे लिखेंगे सर? लॉग है बाबू सिक्सटीन है तो सिक्सटीन लिख दो, ठीक है ना। अब बेस हमको क्या यहाँ पे बेस हमको मन कर रहा सर दो 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 डालने के, तो यहाँ बेस दो डाल दो। ठीक है बाबू ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू तो यहाँ जब बेस टू दो डाले वो तो डिनोमेटर में भी बेस क्या डालना पड़ेगा? टू डालना पड़ेगा। और ये बाबू जो नंबर है, ये जो नंबर है डिनोमेटर में चल जाएगा, ये जो नंबर है ये लॉग का हो जाएगा, लॉग का नंबर हो जाएगा। अरे ये लॉग सोलह ऊपर नंबर हो गया, ये लॉग फोर का यहाँ पे नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया? बेस चेंज फॉर्मूला। इसका वैल्यू निकालोगे और इसका वैल्यू निकालोगे सेम आएगा। इसका वैल्यू निकाल, देखो इसका वैल्यू कैसे निकाल, अगर इसका वैल्यू निकालना फाइंड करना बाबू
तो इसको तो आपको हम बताएं log 4 है बाबू, बेस 4 है। हाँ बाबू, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 16 है, 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक सर, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा बाबू, यहाँ पे log m रेस टू दी पावर n। अरे शैतान, यहाँ बाबू सिंस बाबू log सर टू मल्टीप्लाई log log a रेस टू दी पावर m रेस टू दी पावर n, तो ये पावर n है, उछल के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 log a into m हो जाएगा। बताया ना बाबू, ये वाला प्रॉपर्टी अभी ताजे तो है सर। तो दो उछल के क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो दो उछल के बाहर आ जाएगा शैतान, तो कितना हो गया, 2 log बाबू बेस 4 log 4 टू दी बेस 4। अब बाबू बेस नंबर सेम रहते हैं, बेस नंबर सेम रहते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये बताएं बाबू लॉग की प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता सर। तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक ठीक सर, ये हो गया। अब बाबू इसको आप इसको अपने से करो, तो ऊपर वाले का वैल्यू निकालो अपने से, डिनोमिनेटर वाले का वैल्यू निकालो, और देखो तो बाबू 2 आता कि नहीं आता। नीचे में 2 हो जाएगा, 4 by 2 equal to 2। कीजिए कीजिए जल्दी से करो बाबू, देखो कहाँ जा रही है सोमिया। सर चार्ज में लगा रही हूँ। कहा नहीं समझ में आता प्रकाश सिंह सर, आ रहा है सर। अच्छा आ रहा है, हम जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आ रहा है, देखते हैं कितना आता है। तैयार रहेगा पिटाने के लिए, उधर आऊं जी। सर सर सोचे क्या, क्या सोचे सर, आएंगे? अरे तो आएंगे नहीं शैतान, हल्ला गया सर कितना दूर, कल मॉर्निंग में देखते बाबू आपके पापा से, पहले तो भुवनेश्वर है बाबू, तो पहले तो आप ही के पास निकलना पड़ेगा। हाँ सर, सबसे पहले स्टूडेंट मतलब कि बैच भी मैं सर, पहले तो मैं ही ना आया। हाँ बाबू भुवनेश्वर है, उसके बाद अंगूर है, उसके बाद झारसुगुड़ा है, तो आपके यहाँ से अंगूर, अंगूर में वो है अनुसूचित अंगूर का ना हो बाबू, सौम्या आप कहाँ, आप किधर है बाबू, भुवनेश्वर जीवितेश, जीवितेश भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ना बाबू। हाँ सर, वो सर झारसुगुड़ा के हैं ना, जीवितेश भुवनेश्वर के, भुवनेश्वर के आप और झारसुगुड़ा के। हाँ हाँ आप हो बाबू झारसुगुड़ा के, संजना के यहाँ सर, तो एकदम अच्छे से उसको धुनिएगा। आओ तो अच्छे से धुनेंगे उसको, तो बाबू वसूल करेंगे मान सर। हाँ सर तब ठीक। अरे राइटर को इसको सोल्व करो, बैठ के खाली ये कर रही है, ये सब कहानी खाली बैठी है सर, इसको, इसको कैसे लिख दुनिएगा सर, इसको भी दुनिएगा। हाँ वो इसको तोड़ो ना, अरे एल एच एस को सोल्व किया सर, 2 आया, आर एच एस को सोल्व करो, 2 आता कि नहीं आता, 2 हो गया, 16 को 2 एक यहाँ बेस बाबू, तो पावर 2 के रूप में लिखना, 2 रेज टू द पावर 4 सर। क्यों सर, क्योंकि बाबू बेस और नंबर सेम रहेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। नेक्स्ट बाबू लॉग है बाबू, यहाँ बेस 2 है सर, 4 को क्या लिखो बाबू, 2 के पावर 2 लिखना। ठीक, अभी 4 उछल के बाबू, 4 उछल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये बाबू लॉक के बाहर आ जाएगा, ये 2 उछल के लॉक के बाहर आ जाएगा, तो 4 हो गया सर, लॉग बाबू 2 हो गया, 2 दी बेस 2 हो गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, लॉग हो गया बाबू 2 हो गया, 2 दी बेस 2 हो गया। अब लॉग बाबू, ये बाबू लॉग बेस नंबर सेम है, बेस नंबर सेम है, तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर से क्या बच गया, 4 बच गया, नीचे से 2 बच गया, ये बाबू 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये शैतान बेस नंबर सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा इसका रिजल्ट, और इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो 4 बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एल एच एस आर एच एस बराबर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मेरा फॉर्मूला क्या है सर, सही है नारायण, समझे बाबू नारायण, चेंज करेंगे सर, ये बेस को डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा बेस होगा बाबू, बेस डिसाइड करने के लिए बाबू देखना कि हम कौन सा ऐसा बेस ले सर कि मेरा एक फैक्टर में बाबू पावर सेम हो जाए है ना बाबू, उस तरह से डिसाइड करना। जैसे यहाँ 3 बेस लेते बाबू, तो 3 के पावर क्या करते सर, 16 तुम्हारा फैक्टर हो पाता, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, यहाँ 3 भी लोग है, यहाँ भी बेस में 3 लोग है बाबू, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, तो उस तरह से बाबू लॉग 3 टू दी बेस बाबू, लॉग 16 टू दी बेस 3 कैलकुलेट करने के लिए दिक्कत हो जाता आपको, फिर लॉग टेबल यूज करने के लिए बताएंगे, तो उस तरह से बेस डिसाइड कर बाबू कि यहाँ जो नंबर है और लॉग का नंबर दोनों का सेम हो जाए। थोड़ा थोड़ा समझा जी नारायण, नहीं सर क्या सर समझे थोड़ा थोड़ा बाबू। हाँ सर, चलिए बाबू ठीक है, लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ
अब कौन सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बचा सर? अरे भी यार बाबू दो तीन तीन चार को और है, एकदम पूरा पढ़ाएंगे कंप्लीट सिलेबस, स्कूल वाला नहीं है बाबू की डंडी मार के छोड़। जल्दी से राइट डाउन कीजिए सर, सिर्फ ये लॉग सिखाएंगे कि आंटी लॉग सिखाएंगे जो भेजे पीडीएफ सर? हाँ आंटी लॉग भी बताएंगे बाबू। अरे सब बताएंगे, क्यों टेंशन लेते हो, सब चीज बताएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। लॉग पे तो उल्टा ना होगा सर वो आंटी लॉग? हाँ बाबू हाँ शैतान उल्टा होगा, टेंशन मत लो, पढ़ो ना जितना पढ़ा रहे उतना पहले आप कमांड कीजिए ना बाबू, आपका आके पैसा देते हैं बाबू, आ जाएंगे हैंड टू हैंड दे देंगे। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। सर जो ग्रुप में लॉग का पीडीएफ दे रहे थे जो खुल रहा था ओपन हो रहा था, क्या ग्रुप में पीडीएफ लॉग का बाबू? सर बोले थे ना लॉग का पीडीएफ भेज दे। हाँ बाबू भेज दिया, आप भेज दे, बहुत बहुत थैंक यू। तो आप प्रिंट भी निकालना, उसको भेज के रखना नहीं है। नेक्स्ट पर सिक्स नंबर, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर क्या कहता वो? हम लोग बाबू बेस को बाबू हम लोग को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, ये कहना चाह रहे हैं शैतान, क्या कहना चाह रहे हैं? सिक्स नंबर सर, सिक्स नंबर, अगर लॉग है बाबू और ए रेज टू दी बेस लॉग बी टू दी, लॉग बी टू दी बेस ए है, इसको बाबू हम लोग बी को यहाँ ए को यहाँ लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे बेस ए सर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी बाबू और लॉग ए टू दी बेस बी, यहाँ क्या है log b टू दी बेस a है, इसको क्या पढ़ेंगे log a टू दी बेस b हो गया, मतलब बेस क्या हो गया चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया। तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इतना इतना लिखेंगे तो गलती नहीं हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाबू इस log को डिनोमिनेटर में लिख दो, किसी भी log को बाबू, अरे बाबू मान लो कोई पावर निगेटिव नंबर है तो इसको हम लोग लिखते ना वन बटा एक्स चल जाता डिनोमिनेटर में, जाता ना शैतान, तो वही बात यहाँ, ये log बाबू log को अगर डिनोमिनेटर में लिखोगे तो इसका जो बेस है आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये जो बेस है बाबू ये इंटरचेंज हो जाएगा, बेस है बाबू इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब क्या सर यहाँ बेस ए था बाबू यहाँ नंबर बी था तो ये बी यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये बेस क्या हो गया इंटरचेंज हो गया, बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया। हाँ बोले बाबू नहीं जा रहा जी बितेश, क्या हो गया शैतान, आप लोग का 6 बजे 7 बजे क्लास में नहीं सर आवाज आ रहा है सर, अब वीडियो जा रहा है? हाँ सर पूरा क्लियर आ रहा है। आपको समझना सर सब चीज, अच्छी बात है बाबू, चलिए वेरी गुड बाबू। हमने क्या बताया देखो सियोना, और आपका नेटवर्क ना खराब चल रहा है? अरे नहीं शैतान मेरा तो ठीक तो है बाबू, कहां रेड वुड शो कर रहा है सर, येलो नहीं सर पूरा तो ठीक है, ठीक है बाबू आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा शैतान, ये डाटा बच रहा है ना सियोना बाबू, चलिए बाबू पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे क्या बताया बाबू, लॉग बेस लॉग बी टू दी बेस ए है तो इस बेस को इंटरचेंज कर सकते हो, तो इंटरचेंज करोगे तो यहाँ जो नंबर है वो उसका रेसिप्रोकल लेना, वन बटा कर देना, ठीक है? तो बेस क्या, यहाँ बेस ए था सर, बेस बी होगा, बाबू बेस क्या हो गया इंटरचेंज हो गया ना सर, ये बेस क्या हो गया इंटरचेंज हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू बेस इंटरचेंज फॉर्मूला, इसका नाम क्या सर, बेस इंटरचेंज फॉर्मूला, ड्रा देता है ना बाबू, ड्रा दिया देता, डराना नहीं बाबू, बेस क्या हो गया इंटरचेंज हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू बेस इंटरचेंज फॉर्मूला। ठीक ठीक सर, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं सर, जैसे बाबू फॉर एग्जाम्पल बाबू अगर लॉग बाबू 4 है और ये 2 है, ठीक सर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बाबू, डोमिनेंट रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? आज तो फालतू बाबू काहे ला परेशान, आप मैंने पढ़ते नहीं बाबू, यही सब पूछते रहते हो, लॉग 4 बाबू टू दी बेस 2 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ 4 है तो इस 4 को यहाँ बेस में डाल दो, ये नंबर है इसको यहाँ डाल दो, अब इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, देखो तो सेम आता है कि नहीं आता है, निकालिए जी वितेश, लिखिए बाबू ए लेते हैं इसका वैल्यू, आ रहे थे इसका वैल्यू निकालिए सर, x इक्वल टू 2 आ जाएगा सर, ए लेते हैं सारे इसका निकालिए ना शैतान, सर LHS इक्वल टू 2 आ रहा है,
सर। हाँ बाबू सर टू आ रहा है। वही तो बोल रहा हूँ सर। आरएचएस में कितना आ रहा है? आरएचएस में कितना आ रहा है सर? आरएचएस में सर 2 मिनट कर रहे सर। आरएचएस में 0.5 आ रहा है सर। आरएचएस में 0.5 आ रहा है, उसको सिंपलीफाई करने से 2 आ रहा है। ठीक है बाबू, उसको सिंपलीफाई करेंगे तो सर 2 ही ना आएगा। हाँ सर मेरा भी आ रहा है। सजना समझ में आता है बाबू? कहाँ तक मेरा काम किए? यस सर। यस संजना, संजना से पूछ रहा है उसको कितना है, मन से पूछना है। हाँ सर आ रहा है 2 RHS में भी सर, तो फिर LHS। जल्दी कीजिए संजना बाबू। यस संजना शैतान जल्दी कीजिए। प्रॉब्लम है सर। अरे देखो शैतान, प्रूफ करना बाबू। प्रूफ कैसे था? LHS वाले LHS लिख लो बाबू। LHS में क्या बाबू? ये वाला साइड LHS होता है शैतान, ये सब जानना चाहिए। ये LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या होता है बाबू? RHS होता है। ठीक ठीक से था, चलो अच्छी बात है। तो LHS को पहले लेते हैं बाबू। लॉग बाबू 2 लॉग 4 टू द बेस 2 है। इसको कैसे लिखोगे? लॉग बाबू 2 4 को क्या लिखोगे? 2 रेस्ट टू द पावर 2 लिखोगे। अब ये 2 उछल के क्या आएगा? बाहर आएगा बाबू। पहले लॉग के बाहर, लॉग के बाहर घर में थोड़ी जाएगा, यहां जाएगा। तो 2 लॉग बाबू कितना हो गया? लॉग 2 द बेस 2 हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा प्रकाश सिंह? है कि भाग गया शैतान? लगता भाग गया, ये पापा ही फोन करना पड़ेगा। भाग गया शैतान। लॉग 2 का बेस 1 होता बाबू। लॉग 2 द बेस 2 वैल्यू 1 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, आरएचएस से चलते हैं सर। आरएचएस से चलते हैं, आरएचएस चलते बाबू। 1 बटा क्या है सर? लॉग बाबू 4 है टू द बेस 2 है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना बाबू? कैसे करोगे? इसका वैल्यू बाबू, इसका वैल्यू आप लोग निकालो। लॉग 4 है, लॉग टू द बेस 4 है, समझ में आता है? निकालो ना, इसका वैल्यू निकालो ना आप लोग। सर 2 इक्वल टू 4 पे पावर 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। 1 बाय 1 0.5 0.5 आ जाएगा सर। तेरे पता नहीं क्या 0.5 कर रहा है। अरे शैतान देखो इसका वैल्यू इतना भी नहीं मालूम। log 4 log 2 log 2 बाबू टू द बेस 4 1/2 को 1 से डिवाइड, इतना हमको इसका वैल्यू निकालना। तो इसका वैल्यू को x मान लिया। ठीक, अब ये 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा बाबू। तो क्या इसको लिख सकते हो? 4 इधर जाएगा। अरे शैतान, इसको लॉग लॉग को हटाना है, तो ये 4 इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 4 रेज टू द पावर x। ठीक, अब 2 बाय 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को क्या लिखोगे? 2 रेज टू द पावर 2 लिखोगे, आयकर पावर x करोगे। तो 2 बराबर क्या होगा? 2 के पावर 2x हो जाएगा। बेस सेम है बाबू, यहाँ पे नहीं कुछ है, पावर 1 है। तो 2x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 बाय 2। मतलब log 2 log 2 टू द बेस 4 की वैल्यू कितना हो गया? 1 1 बाय 2 हो गया। इसकी 1 बाय 2 हो गया। 1 1 बाय 2, 2 ऊपर चल जाएगा उछल के, तो 2 आ गया। 2 आ गया, तो LHS RHS बराबर हुआ कि नहीं हुआ? लिखो शैतान। समझे संजना? बोलो करेगी? हाँ सर समझ गए सर। सर हाँ बाबू, कनेक्ट नहीं हो रहा प्रकाश से? सर नहीं सर, ब्लैक दिख रहा था। अरे शैतान कैसे क्या हो रहा? अब हुआ बाबू? अरे सॉरी मैं रहने दो। सर अभी हो रहा है, लिखे लिखे समझाते बाबू, एक बार और समझाते हैं। सर ओम सर, इसलिए कहीं जा नहीं पाता हूँ सर। आरती हो रहा था, पीरियोडिक टेबल का उतारी है ना आरती बाबू? ना काम सर, आरती के लिए नहीं जाती हूँ मैं सर, वहाँ का मीठा मीठा प्रसाद और समोसा खाने जाती हूँ। अरे शैतान तो बाबू,
आरती उतारना प्रायोरिटी टेबल का उतारो, वो काम देंगे, दुर्गा जी थोड़ी काम देंगे बाबू। सर खाने पीने सर फिर भी सर थोड़ा आशीर्वाद क्या बाबू, आशीर्वाद बिना कुछ नहीं मिलेगा, आशीर्वाद देगा ना सोडियम आशीर्वाद देगा, उसका आशीर्वाद काम करेगा। चलो गप मत, सर पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना आशीर्वाद देता है, देगा देगा देगा, मन से उसका आते उतारो, देखो याद होगा, याद होगा बाबू तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो बढ़िया आशीर्वाद हुआ ना बाबू। पीरियोडिक टेबल का आरती उतारिए अभी आप लोग, पूजा पाठ करोगे अपना, पूजा पाठ कीजिए, वो सब पेरेंट्स को करने दीजिए, पेरेंट्स का काम है पूजा, पेरेंट्स पूजा पाठ करेंगे आपको पुण्य मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको इसका मजे नहीं बोलने थोड़ी ना देते, खाने पीने के लिए जाते हैं। अरे सिद्धांत गप खाली करता है, नहीं सेवन नंबर, इसको पहले बाबू प्रॉपर्टी खत्म करते हैं आज, उसके बाद है कुछ होगा, कोई चारा नहीं है। सेवन नंबर क्या कहता है सर, थोड़ा सा ही और हमको डर लग रहा है, तीन चार को पावर रहेंगे तो कैसे करेंगे सर, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो बाबू सेवन नंबर, सेवन नंबर क्या है सर, जैसे पावर बाबू मान लो बाबू पावर क्या है सर, पावर क्या है, क्या दिया ए रेज टू पावर बाबू बी है, ठीक सर, इसको डिसकलर कर देते हैं, क्या शैतान ए के पावर बी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सब पावर। अरे शैतान चलो शांत रहो ना, अब फिर बाबू पावर एम है सर और इसका पावर क्या बाबू एन है, डरना नहीं है, मतलब क्या है सर इसको कैसे पढ़ोगे बाबू, लॉग एम रेस टू दी पावर एन बाबू टू दी बेस बाबू ए रेस टू दी पावर बी, कैसे पढ़ोगे, लॉग एम एम रेस टू दी पावर एन टू द बेस बाबू ए रेस टू दी पावर बी, तो ये जो है बाबू ये दोनों उछल के बाहर चल जाएगा, मतलब क्या सर यहाँ से ऊपर से क्या जाएंगे एन जाएंगे और यहाँ से बी जाएंगे, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ऊपर वाला एन और यहाँ जो पावर है एन बाई बी हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा बाबू लॉग बाबू एम हो जाएगा और ए बेस ए है, बेस ए है तो बेस ए हो जाएगा, मतलब एम के ऊपर जो पावर है बाबू वो बाहर और ई बाबू बेस में, अरे शैतान दे रहा है ना चुप रहो ना, यहाँ बी है बाबू तो डिनोमिनेटर में इधर बी चल जाएगा, लॉग एम एन हो जाएगा, याद रखना बाबू है ना, याद रखना इसको, चलो बाबा अच्छी बात है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, शैतान बोल नहीं रहे तो आवाज क्या जाएगा, टंकी करता, ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या सर, लॉग है बाबू, लॉग है बाबू, लॉग थ्री टू पावर सिक्स है बाबू, ठीक सर, और बाबू नाइन का पावर कितना हो गया सर, नाइन के पावर बाबू कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक सर, है ना, अच्छी बात है सर, तो इसको कैसे लिखोगे, ये थ्री यहाँ बाहर आ जाएगा तो थ्री हो गया और थ्री के पावर सिक्स है तो थ्री बाई सिक्स हो गया बाबू, लॉग तो यह पावर बाहर चल कर लेते, यहाँ से क्या बचेगा नाइन बचेगा, तो लॉग नाइन, अब बेस में थ्री बाबू थ्री लिख दो, देखो तो इसको इसका फॉर्मूला ये है बाबू, इसका फॉर्मूला ये है ना, ठीक है सर, बात तो समझ में आती है, तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना इसका आंसर आएगा, कितना आएगा जी बता दो, थ्री बाई सिक्स बाबू लॉग थ्री है, नाइन को क्या लिख सकते हो, थ्री रेस्ट पावर टू लिखोगे, नाइन को थ्री रेस्ट पावर टू कहाँ जाएगा जी बितेश, टू कहाँ जाएगा, दादी घर नानी घर किसके घर जाएगा सर, बाहर चले जाएगा, हाँ बाहर चल जाएगा, तो जिंदगी में अभी तक नहीं पढ़े जी बितेश, लॉग का तो नामो नहीं सुना होगा लगता है, नाम सुने थे बाबू, नहीं सर नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने, वो हाँ बाबू इलेवन में पढ़ना बहुत, आप शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़ लिया बहुत, तो उसी का उल्टा है ना बाबू, तो लगले पढ़ा ही दीजिए, क्या दिक्कत है, टू उछल के बाहर आ जाएगा, सौम्या कितना एक्टिंग कर रही है, उसको आके ढूंढते हैं ना, जाके ढूंढते हैं, टू बार हो जाए मल्टीप्लाई, लॉग थ्री बाबू टू दी बेस थ्री, कितना आंसर होगा जीवित जाती है प्रकाश से, लॉग थ्री टू दी बेस थ्री का आंसर कितना होगा, वन होगा, ये टू हो गया ये वन हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, वन बच गया, इसका वन मल्टीप्लाई वन, इसका वैल्यू वन हो गया बाबू, ये वैल्यू क्या देगा, वन देगा, तो ये आंसर वन हो गया, राइट डन करो शैतान, सर जो तेज स्टूडेंट है सर आप तो उसे पूछते ही नहीं है सर, क्या बाबू, सर जो तेज स्टूडेंट है उसको तो आप पूछते ही नहीं है सर कभी,
अरे वो तेज है तो तेज से क्या, देखो बाबू तेज जो तेज है उसको उसको तो है ही है तेज, उससे क्या पूछना, जो डल है बाबू उसको तेज करो। सर हम लोग से तो आप कुछ भी नहीं पूछते, तेज का धार नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रोल नंबर वाइज कर देंगे, ठीक है ना, रोल नंबर उधर अटेंडेंस का रोल नंबर, अपना रोल नंबर याद रखना। नंबर पहला मेरा होना चाहिए सर, पहले मैं आया हूँ, बस पहले मेरा होना चाहिए सर। सर सबसे पहले मैं थी। हाँ बाबू मैंने तुझे नंबर दिया सर का, बड़ी आई ए बड़ी आई। अच्छा ठीक है पहले इधर, सबसे पहले मैंने ही उनका नाम रोशन किया था। अच्छा ठीक है पहले इधर 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 रोशन। मेरी मम्मी ने अच्छा डिस्कशन बंद नहीं होगा, म्यूट कर देंगे इधर से, सॉरी सर म्यूट कर देंगे इधर से, फिर करते रहना। आप बता दीजिए कौन सबसे पहले आया था, नहीं तो का डिस्कशन बंद नहीं होगा। चलो ठीक है लिखो जल्दी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू। अब अभी आपको हमने एक फार्मूला बताया, बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला है ना, जल्दी से लिखो, लिख ले प्रकाश सिंह, ऐसे हो ना, समझ में आता बाबू? चलो ठीक है बाबू, एट नंबर। अभी आपको हमने बताया क्या सर, बेस चेंज फार्मूला है ना, उसी से मिलता जुलता प्रॉपर्टी है। मतलब क्या सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। एट नंबर, लॉग बाबू बी टू द बेस ए, ठीक सर, इसको हम लोग बेस इंटरचेंज फॉर्मूला, बेस को इंटरचेंज करेंगे तो कैसे होगा, वन बटा, पहले समझो लॉग बाबू थ्री इंटरचेंज फॉर्मूला की चेंज फॉर्मूला है, बेस इंटरचेंज फॉर्मूला, ये बेस क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया ना, बी के जगह ए आ गया, ए के जगह बी आ गया, इंटरचेंज हो गया, तो बेस इंटरचेंज फॉर्मूला, ठीक। इसी को बाबू, इसी को लॉग एट नंबर प्रॉपर्टी क्या कर दिया बाबू, कुछ डरा दिया गया, ठीक है ना, नौटंकी किया गया, इसको बाबू इधर मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू है ना बाबू, तो इसको इधर नहीं कुछ है बाबू, तो इधर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, वन है, तो वन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, लॉग को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली जो फार्मूला बनेंगे शैतान, इसमें बाबू एट नंबर जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे शैतान, थोड़ा सा और नजदीक इसको लिखो ना, हम यहीं पे सोच रहे थे लिखने के लिए, वन